चल हेडी डालिए आज, स्टडी ऑफ सम कमर्शियल सेल, स्टडी ऑफ सम कमर्शियल सेल। बड़े ये वाला जो टॉपिक है ना, पहले फिजिक्स में हुआ करता था 2014 तक, फिजिक्स से पूरा केमिस्ट्री में डाल दिया इसको। समझ में आ रहा है ना, स्टडी ऑफ सम कमर्शियल सेल। तुमने जो कमर्शियल सेल है, दे आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? में एनोड क्या होता है बेटा? नेगेटिव। कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव। बेस्ड वर्क ऑन, मेन मेन पॉइंट लिख डालो पहले, बेस्ड वर्क ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसी के बेस पे वर्क करते हुए डायलॉग कमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आल्सो कॉल्ड बैटरी। इन्हें ही बैटरी बोलते बेटा। जो बैटरी आप सुनते हो ये क्या है? कमर्शियल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, आल्सो कॉल्ड बैटरी। चलिए आल्सो कॉल्ड बैटरीज। बड़े दो टाइप से होते हैं, टू टाइप। पहले प्राइमरी नॉलेज ले लो, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। इसमें एक और थर्ड, थ्री टाइप कर दीजिएगा, एक और फ्यूल सेल डाल देना बेटा, फ्यूल सेल। ठीक है, बेटे जो प्राइमरी सेल, देखो ये सब बैटरीज है, फ्यूल सेल भी बैटरी है, ये एडवांस सेल है बेटा। समझ में आ रहा है? जो स्पेस में जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं वहाँ ये सेल जनरली यूज किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे अपोलो सैटेलाइट प्रोग्राम में भी इन सेल का यूज किया गया, लॉन्ग टाइम तक वर्क करते हैं, ज़्यादा इफिशियंट होते हैं। कौन से सेल? फ्यूल सेल। दे आर सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एडवांस सेल है ये। आ रहा है समझ में? याद रखना। बेटा प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल थोड़ा डिफरेंट है। तो सेकेंडरी सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल क्या होता है? तो आपने जितनी भी बैटरीज देखी है बेटा, ऑटोमोबाइल पे जो बैटरी लगी है, घर में इन्वर्टर में जो बैटरी लगी है, वो सब किस टाइप की सेल है बेटा? सेकेंडरी सेल है। मोबाइल में जो बैटरी आपके वो भी सेकेंडरी सेल है, जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो जो प्राइमरी सेल होते हैं बेटा अनरिचार्जेबल, इसके बारे में लिख डालो, अनरिचार्जेबल, दिस रिचार्जेबल, ये अनरिचार्जेबल होते हैं, ये रिचार्जेबल होते हैं। ठीक है, अब बेटे देखो इनको एक बार यूज करो और ये डेड हो जाते हैं। आ रहा है समझ में? तो ये वन टाइम यूज कर सकते हैं, दे आल्सो कॉल्ड इररिवर्सिबल सेल, क्योंकि इनको बार बार आप रिचार्ज नहीं कर सकते, वन टाइम यूज है बस इनका। तो इररिवर्सिबल, दिस आर रिवर्सिबल सेल, अपने जो प्राइमरी सेल होता है इनमें जो करेंट फ्लो होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में होता है। इनको केवल आप डिस्चार्ज कर सकते हो, इनसे केवल आप करेंट ले सकते हो, इनको फिर से यहाँ करेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे हम लोग मोबाइल में फिर से, मोबाइल की बैटरी में फिर से करेंट प्रोवाइड करके उसको रिचार्ज करते हैं। अरे उसमें तो यूनिडायरेक्शनल करेंट फ्लो, सो यूनिडायरेक्शनल करेंट फ्लो, सो यूनिडायरेक्शनल करेंट फ्लो, सो बाई डायरेक्शनल करेंट फ्लो, तो मेन मेन पॉइंट्स इनमें डिफरेंस कर लीजिए आप। सो बाई डायरेक्शनल करेंट फ्लो, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि इनको आप रिचार्ज कर सकते हैं, मीन्स एंटी डायरेक्शन भी करेंट फ्लो कर रहे हैं आप। आ रहा है समझ में? ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा बेटा।
लेक्लॉन्चे सेल, लेक्लॉन्चे सेल, लेक्लॉन्चे सेल टाइप ऑफ ड्राई सेल भी बोलते हैं, इसको ड्राई सेल करके लिख दीजिए, लेक्लॉन्चे सेल और ड्राई सेल। इसमें मरकरी सेल भी यूज कर दीजिए बेटा, मरकरी सेल। दो एग्जांपल जिसमें हम लोग ड्राई सेल पढ़ेंगे बेटा, किसके बारे में पढ़ेंगे, ड्राई सेल के बारे में। आ रहा है सर में, ये हमारे सिलेबस में इसका स्टडी करना, मरकरी सेल का नहीं करना है, लेकिन एग्जांपल में याद रख लेना ड्राई सेल। बेटा इसमें एग्जांपल लिख लीजिएगा, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी एंड सेकेंड निकल कैडमियम सेल तो इसमें बेटा जो लेड स्टोरेज बैटरी है इसका स्टडी करना है हमारे सिलेबस में, किसमें, सेकेंडरी सेल में लेड स्टोरेज बैटरी का स्टडी करना है और प्राइमरी सेल में लेक्लॉन्चे सेल या ड्राई सेल का स्टडी करना है। आ रहा है उसमें, चलिए इसे लिख डालिए जल्दी फटाफट। तो बेटा प्राइमरी सेल में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा, ड्राई सेल। क्या ड्राई सेल, तो क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्वेश्चन बना लीजिए, डिस्क्राइब लेबल डायग्राम एंड सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ड्राई सेल। ड्राई सेल का लेबल डायग्राम, उसकी मैकेनिज्म पढ़ना है, मैकेनिज्म जब इससे क्या लेंगे बेटा आप करेंट, तो कौन सी रिएक्शन होगी। तो जब भी किसी सेल का स्टडी करना है या सेल का क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कमर्शियल सेल में, तो आपको सभी को एक बात पता होना कि एनोड किस सब्सटेंस का बना है, कैथोड किस मटेरियल का बना है, एनोड पे होने वाली रिएक्शन, कैथोड पे होने वाली रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड टोटल सेल रिएक्शन। जब आपको एनोड हाफ सेल रिएक्शन और कैथोड हाफ सेल रिएक्शन क्लियर होगी, तो टोटल सेल रिएक्शन आप कंबाइन करके बना लेंगे, समय तो करना है। तो सबसे पहले कहां फोकस करना पड़ेगी, सेल का डिस्क्रिप्शन कर देना है, लेबल डायग्राम आपने बना लिया, लेबल डायग्राम आपके सामने, ठीक है। तो बेटा जो ड्राई सेल होते हैं, वॉच के सेल होते हैं, घड़ी के सेल होते हैं, टॉर्च के सेल होते हैं, जो प्राइमरी सेल्स में आते हैं, ये अनरिचार्जेबल होते हैं, तो इनका बेटा एक टिपिकल कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर आपके सामने है। आ रहा है समझ में, तो इसमें बेटा जो ड्राई सेल्स होते हैं, जिसे आल्सो कॉल्ड लेक्लॉन्चे सेल, क्या बेटा, लेक्लॉन्चे सेल में ड्राई सेल आता है, ड्राई सेल इज द टाइप ऑफ लेक्लॉन्चे सेल, याद रखना। तो इसमें बेटा याद रखिए, जो जिंक पॉट है या जिंक वेसल है, ये देखिए, ये जिंक पॉट या जिंक वेसल, ये एनोड के फॉर्म में वर्क करता है, किसके फॉर्म में। तो याद रखना बेटा कि जो ड्राई सेल है, ड्राई सेल में जो एनोड है, इट इज द मेड अप ऑफ जिंक, जिंक टेक एज अ पॉट, समझ में आ रहा है ना। और बेटा जो कैथोड है, ये है देखो कैथोड, दिस सेंटर में, सेल के सेंटर में कैथोड है, कैथोड रॉड किसका बना है बेटा, ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट कैसा इलेक्ट्रोड है, इनएक्टिव, ग्रेफाइट है, प्लेटिनम है, ये सब इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वनली प्रोवाइड साइट फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए साइट प्रोवाइड करेंगे, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, एज द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एनोड और कैथोड के बीच में आपको मालूम है भाई, सेल में एक एनोड चाहिए, कैथोड चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन चाहिए। तो एनोड और कैथोड के बीच में एज द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड प्लस ZnCl2 सेमी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या लिक्विड सॉल्यूशन नहीं रखा बेटा, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन प्रैक्टिकली यूज करने में बहुत प्रॉब्लम है। तो कैसे सॉल्यूशन रखा इसने, सेमी सॉलिड सॉल्यूशन, किसका बेटा, अमोनियम क्लोराइड प्लस ZnCl2। आ रहा है समझ में, तो इसमें जो मेन है बेटा, वो मेन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो अमोनियम क्लोराइड है, ZnCl2 एसेसरी वर्क है उसका, क्या वर्क है, एसेसरी वर्क है, मेन कौन है, अमोनियम क्लोराइड, इस बात को याद रखेंगे, समझ में आ रहा है। अब देखिए बेटा, अराउंड द कैथोड मीन्स ग्रेफाइट रॉड के चारों ओर ये पोरस मेम्ब्रेन है, आपको दिख रही होगी ये पोरस मेम्ब्रेन। तो बेटा ग्रेफाइट रॉड के चारों ओर मैंगनीज ऑक्साइड प्लस कार्बन का पाउडर है बेटा, पाउडर ऑफ या मिक्सचर ऑफ, क्या बेटा, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस कार्बन, इसका क्या रोल है आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका भी सेल को सपोर्ट करने में, सेल की लाइफ बढ़ाने में इसका रोल है। आ रहा है समझ में। तो बेटा ये है आपका लेबल डायग्राम किसका, ड्राई सेल का। तो इसका डिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा, तो लिखिए आंसर, ड्राई सेल इज प्राइमरी सेल, प्राइमरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा बेटा जल्दी, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है वो बता रहा हूँ। प्राइमरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट इज अनरिचार्जेबल, अनरिचार्जेबल सेल अनरिचार्जेबल सेल 1.5 वोल्ट करेंट ऑब्टेन फ्रॉम दिस सेल, 1.5 वोल्ट ऑफ करेंट, समझ में आ रहा है कितने वोल्ट की करेंट, 1.5 वोल्ट ऑफ करेंट ऑब्टेन फ्रॉम दिस सेल। चलो ये सब प्राइमरी इंस्ट्रक्शन, प्राइमरी डिस्क्रिप्शन दे दो उसका, ओके ठीक है। तो ये सब लिखना पड़ेगा बेटा आपको, ये लेवल डायग्राम आपके पास है। अब डिस्क्रिप्शन में जो मेन चीज बता रहा है उसको नहीं भूलना, मैं क्या लिखा रहा हूं इससे मतलब नहीं। एक लेवल डायग्राम याद रखना, एनोड किसका बना, कैथोड किसका बना ये याद रखना, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, फिर एनोड पे होने वाली रिएक्शन और कैथोड पे होने वाली रिएक्शन, फिर टोटल सेल रिएक्शन, द एंड। आ रहा है समझ में? तो ये मेन चीज याद रखना पड़ता है जब भी सेल का क्वेश्चन आता है। आ रहा है समझ में? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद है सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल में आपको डिस्चार्जिंग भी पढ़ना है और रिचार्जिंग भी पढ़ना है, लेकिन अगर आप थोड़ा लॉजिक लगा के पढ़ेंगे तो बहुत ईजी है, याद ही जाता नहीं। तो अगर रटने की बात करेंगे आप तो गए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आ रहा है समझ में? तो ध्यान दीजिए बेटा, सेकेंड पॉइंट में डालेंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन में, देखो इन ड्राई सेल मेन चीज जो काउंटेबल है, इन ड्राई सेल एनोड मेडअप ऑफ, एनोड मेडअप ऑफ जल्दी फटाफट जिंक पॉट, जिंक पात्र या जिंक वेसल, कैथोड मेडअप ऑफ जल्दी फटाफट कैथोड मेडअप ऑफ इनएक्टिव ग्रेफाइट रॉड या इनएक्टिव ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, इनएक्टिव ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। चलिए फटाफट, ठीक है बेटा, बोर्ड एग्जाम में आपको आंसर और कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहां से कभी कभार क्वेश्चन में ZnCl2 का क्या रोल है इसमें, ये क्वेश्चन आ चुका है। MnO2 और कार्बन का क्या रोल है इसमें, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। टोटल सेल रिएक्शन में चार ऑप्शन दिया है, कौन सी टोटल सेल रिएक्शन करेक्ट है, ऐसे भी क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में कभी कभार आ जाते हैं, ठीक है याद रखिए। ओके बेटा, एज द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एज द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन द पेस्ट ऑफ, पेस्ट किसका पेस्ट बेटा, अमोनियम क्लोराइड प्लस ZnCl2, द पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस ZnCl2 यूज्ड, द पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस ZnCl2 यूज्ड, ठीक है। अब बेटा एक पॉइंट और लिख दीजिए, ZnCl2 एंड द मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर ऑफ ZnCl2 एंड द मिक्सचर ऑफ MnO2 प्लस कार्बन यूज एज पोलराइजर के रूप में यूज किए जाते हैं बेटा, किसके रूप में। अब पोलराइजर होता क्या है आगे बढ़ते हैं, पोलराइजर मीन्स पोलरिटी को मेंटेन करके रखने वाला, समझ में आ रहा है ना। पोलरिटी में प्लस और माइनस एक्चुअली डिफरेंशिएट रहना चाहिए, जो चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए, किसके अंदर बेटा, सेल के अंदर। एंड प्रिवेंट सेल अगेंस्ट लीकेज, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट बेटा, लीकेज के अगेंस्ट, प्रिवेंट द सेल अगेंस्ट लीकेज, प्रिवेंट द सेल अगेंस्ट लीकेज। क्योंकि बेटा जब सेल रिएक्शन होगी, जब एनोड पे होने वाली, एनोड पे रिएक्शन होगी, कैथोड पे रिएक्शन होगी, तो बेटा वहाँ गैसेस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। अब सेल के अंदर जो सेल आप टॉर्च का सेल देखते हो या
अपना घड़ी का सेल देखते हो, अब उस सेल के अंदर जो प्रोसेस सेल वर्क कर रहा है और वहाँ गैस प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शन, तो गैस तो सेल को लीकेज करेगी ना भाई, तो उन सेल उन गैस को कंजर्व करने के लिए, उन गैस को भी इनका रोल होता है बेटा, किसका, MnO2+, MnO2+ and ZnCl2 अगेंस्ट लीकेज, और पोलराइजर का भी काम करते हैं, किसका काम, पोलराइजर का, आ रहा है समझ में, ठीक है, ये सब छाप लो, फिर सेल रिएक्शन चेक करेंगे। चलिए पूरे पॉइंट लिख दिया आपने पक्का, चलिए आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालना बेटा, ये पूरा शॉर्टकट में डिस्क्रिप्शन हो गया, आ रहा है समझ में, ये लेबल डायग्राम हो गया, बोर्ड एग्जाम में आंसर देने का तरीका, कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्या आता है वो बता दूंगा, रिएक्शन पूछ लेता है इसकी, आ रहा है समझ में, ZnCl2 का रोल पूछ लेता है इसमें, MnO2 का रोल पूछ लेता है इसमें, आ रहा है समझ में, याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है, ओके। देखो बेटा आंसर का नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, मेन जिस पे आपको नंबर मिलते हैं, तो डिस्क्रिप्शन हुआ, वन मार्क क्वेश्चन है ये, वन मार्क का लिखे हो अभी तक आप, अगर क्वेश्चन आता है तो। अब जो टू मार्क में है वो क्या है बेटा, सेल रिएक्शन, क्या, जब सेल वर्क कर रहा है, सेल वर्क कर रहा है मीन सेल से क्या ले रहे हैं बेटा आप, करेंट, मीन सेल क्या हो रहा है बेटा, डिस्चार्ज, ओके, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, चलो मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ, तो बेटा ये नेगेटिव एंड और ये पॉजिटिव एंड एक्सटर्नल सर्किट से मैंने अटैच कर लिया, चलो एक छोटा सा बल्ब यहाँ लगा दे रहे भाई। अब देखिए बेटा आपको मालूम है ये जो जिंक पॉट है क्या है बेटा, एनोड है, और ये क्या है बेटा, कैथोड रॉड है, दोनों को एक्सटर्नल सर्किट से किया, आपको मालूम है कि एनोड की सरफेस पर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, अब वो कहाँ से आते हैं देखेंगे, आ रहा है इसमें, अरे जो एनोड पॉट है इस पर क्या है यार, इलेक्ट्रॉन है, और कैथोड रॉड पर इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा, कमी, इसलिए तो पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन अपनी हाई क्वांटिटी से लो क्वांटिटी चलेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं भाई, ये एनोड टू कैथोड, आपने पढ़े हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, गैल्वेनिक सेल में, एनोड टू कैथोड, जिंक हाफ सेल से कॉपर हाफ सेल, जब गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे हम लोग, तो वही कॉन्सेप्ट है। और बेटा यहाँ करेंट फ्लो होने लगे भाई, आपने जब नेगेटिव और पॉजिटिव एंड को एक्सटर्नल सर्किट से अटैच किए, करंट फ्लो हो रहा है, अब उस करंट में फैन रख दो तो फैन चलेगा, बल्ब रख दो तो बल्ब जलेगा, आ रहा है समझ में, तो ध्यान देना बेटा ये, तो रिएक्शन ऑन एनोड, तो साइड हेडिंग डालिएगा आंसर का अगला पेरा, पैराग्राफ देखिए बेटा, सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग मीन से क्या ले रहे हैं बेटा आप, करेंट, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, तो नंबर वन लिखिएगा रिएक्शन ऑन एनोड, एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, तो एनोड किसका बना है देखिए, एनोड मेड अप ऑफ जिंक पॉट, ये पूरा एनोड है, देखिए देखिए पूरा एनोड है, आ रहा है समझ में, और एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो रिएक्शन देखिए जिंक, ये न्यूट्रल जिंक, देखिए न्यूट्रल जिंक, ओके भाई, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जिंक पॉट से, मीन्स जिंक पॉट पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मीन्स जिंक पॉट पे कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है बेटा, रिलीज, आ रहा है समझ में, जिंक 2+ + 2E हो गया है ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन कहां हो रही है बेटा, जिंक रॉड, जिंक पॉट पर, जिंक रॉड के फॉर्म में नहीं है, किसके फॉर्म में, पॉट के फॉर्म में, आ रहा है समझ में, चलिए सेकेंड रिएक्शन ऑन कैथोड, रिएक्शन ऑन कैथोड, कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन, आप अच्छे समझना इधर ध्यान दे, पहले लिखे बात भाई छोड़े, ये देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड, कैथोड मीन्स ग्रेफाइट रॉड पे इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं भाई, तो ग्रेफाइट रॉड पे जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मेनली कौन है बेटा, मेन कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड, मीन्स ये किस फॉर्म में बेटा, अमोनियम आयन प्लस Cl- आयन, ध्यान देना, मेन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ZnCl2 तो एक एसेसरी सब्सटेंस है, आ रहा है समझ में, वैसे बेटा नॉवे डेज आज के समय में अमोनियम क्लोराइड के बेस पर, के प्लेस पर यहाँ KOH यूज किया जा रहा है, क्या बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, ये तो ओल्ड
ड्राई सेल पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन जो अभी के ड्राई सेल्स हैं KOH ज़्यादा इफिशियंट होता है वो, खैर उससे मतलब नहीं। तो ये अमोनियम और क्लोराइड, तो जैसे बेटा कहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे, कैथोड पर आना ही है, तो उन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने सॉल्यूशन में कौन है बेटा, अमोनियम आयन है और कौन है क्लोराइड, तो उसको रिसीव करने कौन जाएगा, अमोनियम आयन इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, बोले मैं आ रहा हूँ तुझे लेने, नहीं आया समझ में, हाँ तो बेटा रिएक्शन आन कैथोड, तो बेटा दिस टू इलेक्ट्रॉन कहाँ गए बेटा, कैथोड पर, कैथोड पर जैसे आएंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कौन है, अमोनियम आयन, अमोनियम क्लोराइड आ रहा है। ZnCl2 वैसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कैसा भाई, ये डिफ्रेंशिएट नहीं होता कैटायन एनायन में, और ये एक्चुअल इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है भी नहीं, ZnCl2 का अलग रोल है, कौन सा रोल है बताएंगे, आ रहा है समझ में, ध्यान देना। तो बोले इस टू इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से कौन जाएगा बेटा, अमोनियम आयन। अब जिंक की वैलेंसी टू है, टू इलेक्ट्रॉन रिलीज करता तो दिस टू माइनस वन प्लस, यहाँ टू प्लस चाहिए, रिएक्शन बैलेंस करते आना चाहिए भाई, टू इलेक्ट्रॉन के लिए टू पॉजिटिव चाहिए, तो टू अमोनिया ले लो, टू अमोनियम आयन, ध्यान देना बेटा। अब देखो एक ध्यान दो समझो, कई बच्चों को ये अमोनियम आयन है, ये क्या है NH3, ये न्यूट्रल है, आपको केमिस्ट्री में या तो इसका एग्जिस्टेंस है या इसका एग्जिस्टेंस है, आपने कभी ये देखे हैं क्या, अरे अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अमोनियम क्या है बेटा, केटायन है, ये कोई भला है क्या, नहीं है, ये अनस्टेबल स्पीसीज है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये हाईली स्टेबल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये एग्जिस्ट है, ये एग्जिस्ट है, ये एग्जिस्ट नहीं है, तो बेटा ये आप अब ये तो बनाएंगे नहीं आप, यही तो चलो कॉमन सेंस की टू, ये क्या है यार, टू अमोनियम नायन बोले नए मॉलिक्यूल है, ये स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं है, तो देखिए बेटा क्या होने वाला है, तो जैसे अमोनियम आयन न्यूट्रल होगा टू इलेक्ट्रॉन लेकर, तो ये क्या बेटा स्टेबल NH3 में चेंज हो जाएगा, आप टू हाइड्रोजन लेफ्ट हो गए तो H2 गैस आ गई भाई, तो रिएक्शन ऑन कैथोड, कौन सा रिएक्शन है बेटा, रिडक्स, चलिए छाप लीजिए इसे जल्दी फटाफट, आ रहा है सच में, नहीं तो अमोनिया लिख दोगे आप NH4, अमोनियम आयन का एग्जिस्टेंस है, अमोनिया का एग्जिस्टेंस है, ये कोई स्पीसीज नहीं, जैसे न्यूट्रल होगा तो अमोनिया स्टेबल में चेंज हो जाएगा, और एक स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा रिलीज होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट है भाई, नहीं आया सच में, ठीक, तो ये हुआ बेटा रिएक्शन ऑन कैथोड। बेटा जो MnO2 और ZnCl2 आपने लिखे हो इसके पहले थ्योरी में, उसको वर्क एज डीपोलराइजर कर दो, आपने पोलराइजर लिखे हो ना, डीपोलराइजर कर दो MnO2 और ZnCl2 जो थ्योरी में आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा, क्या लिखना बेटा उसको, डीपोलराइजर, ठीक है ना, पोलराइजेशन को रोकने वाले डीपोलराइजेशन, समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा, पोलराइजेशन मीन्स आयनिक बैलेंस को बनाए रखना है, ये भाई प्लस और माइनस तो पोलरिटी है, लेकिन बेटा यहाँ जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी गैस है यार, अमोनिया गैस, और ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन, दोनों गैस है, गैस है तो सेल में प्रेशर को बढ़ाएगा, सेल में प्रेशर बढ़ेगा तो सेल लीक हो सकता है भाई, ओके ब्लास्ट भी हो सकता है सेल, इसलिए सब MnO2 एंड जैसे जैसे एक्सेसरी सब्सटेंस यहाँ रखे गए, तो उनका रोल मैं आगे की रिएक्शन में बताऊंगा, अभी हमको एनोड पे होने वाली रिएक्शन, कैथोड पे होने वाली रिएक्शन और टोटल सेल रिएक्शन। अब टोटल सेल रिएक्शन कैसे काउंट करेंगे बेटा, एनोड पे होने वाली रिएक्शन है नंबर वन और ये नंबर टू, तो टोटल सेल रिएक्शन में दोनों रिएक्शन को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा प्रोडक्ट, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा रिएक्टेंट, ये कैंसिल हो गया ना, तो लिखिएगा टोटल सेल रिएक्शन, टोटल सेल रिएक्शन बहुत इजी है, मतलब आपको कोई एनोड पे होने वाली रिएक्शन पता होना चाहिए और कैथोड पे, टोटल सेल रिएक्शन तुमको देख के बना लेंगे आप, ठीक है टोटल सेल रिएक्शन, तो बेटा रिएक्टेंट रिएक्टेंट एक साथ कर दो, तो जिंक प्लस 2NH4 प्लस, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा कैंसिल, प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिला, जिंक 2+ ट्वाइस अमोनिया प्लस H2 गैस, अमोनिया गैस, तो ये हुआ बेटा टोटल सेल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, जैसे आपको एक MCQ बना लिया कि ड्राई सेल में
कैथोड पर रिलीज होने वाली कौन सी गैस है? तो अमोनिया एंड हाइड्रोजन। यहां चार ऑप्शन बना सकता है, आ रहा है समझ में? चलिए, ये टोटल सेल रिएक्शन हो गई, ठीक है। नीचे लिखिए बेटा, ड्यूरिंग कैथोडिक रिएक्शन ड्यूरिंग कैथोडिक रिएक्शन NH3 एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस विच इंक्रीजेस प्रेशर विद इन सेल एंड ऑल्सो पोलराइज्ड द सेल ऑल्सो पोलराइज द सेल। तो बेटे जो अमोनिया और हाइड्रोजन गैस है, इसके दो ड्रॉपबैक्स है बेटा। ये अमोनिया हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? इंक्रीज प्रेशर। तो प्रेशर करेगा तो सेल लीक हो सकता है भाई, और साथ में क्या करता है बेटा, पोलराइज द सेल, मीन्स जो इनिशियल आयनिक बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, आ रहा है सर में? तो इसको बोलते हैं पोलराइज होना, आ रहा है सर में? तो बेटा ये जो है कौन से एक्स्ट्रा सब्सटेंस है बेटा, MnO2। कार्बन का रोल, कार्बन यहाँ कैटलिस्ट के फॉर्म में वर्क करेगा, किसके फॉर्म में? और दूसरा एक्स्ट्रा सब्सटेंस कौन है बेटा? ZnCl2। कौन भाई? ये अमोनिया और हाइड्रोजन गैस को निपटाने के लिए रखे हैं, समझ में आया? इनको उसको कंजर्व करने के लिए रखे हैं बेटा, ताकि सेल के अंदर प्रेशर ना बढ़े और सेल पोलराइज ना हो। पोलराइज होगा तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है बेटा, जो 1.5 वोल्ट का जो कंटिन्यूस करंट चाहिए आपको, 1.5 वोल्ट का करंट लॉन्ग टाइम तक नहीं मिल पाएगा, ओके? इसलिए ये इन गैसों के प्रोड्यूस होने के कारण आ रहा है असल में। तो लिखिए बेटा आप नोट करके, ये हो गई एनोड पे होने वाली रिएक्शन, ये हो गई कैथोड पे होने वाली रिएक्शन, रिएक्शन क्लियर है? ये हो गई टोटल सेल रिएक्शन, ठीक है बेटा। नीचे लिखना, चलिए छाप लिया आपने, सम एक्सेस रिएक्शन इन सेल, साइड ही डालना बेटा, सम एक्सेस रिएक्शन इन सेल। एक्सेस रिएक्शन है सेल में, जो एक्सेस सब्सटेंस रखे हैं बेटा कौन? MnO2 एंड ZnCl2। इनका भी तो रोल पता हो ना, ठीक है बेटा। ना फार कंजर्व NH3 एंड H2 गैस विद इन सेल MnO2 एंड ZnCl2 सब्सटेंस रिएक्ट विथ MnO2 एंड ZnCl2। MnO2 बेटा हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, MnO2 किससे बेटा? रिएक्ट विथ H2 एंड ZnCl2 रिस्पेक्टिवली। तो बेटा पहले MnO2 की रिएक्शन देख लेते हैं, ये किसके साथ बेटा? H2 गैस को, इसको कंजर्व करना जरूरी है भाई, दूसरे फॉर्म में चेंज करना, गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन वहां नहीं चाहिए, जो बाई प्रोडक्ट है किसका बेटा? कैथोडिक रिएक्शन का। तो यहां बेटा रिएक्शन होने वाली है, Mn2O3 बनेगा बेटा यहां, अभी रिएक्शन बैलेंस करेंगे। Mn मैंगनीज डाइऑक्साइड है बेटा, +4 वाला ऑक्साइड है, ये +3 वाला Mn2O3, आ रहा है समझ में? तो ट्वाइस कर दीजिए, तो ये वन ऑक्सीजन लेफ्ट है, तो H2O। देखो बेटा हाइड्रोजन गैस किस फॉर्म में आ गई? वाटर, मीन्स मॉइस्ट आने लगेगा यहाँ। जब भी ये सेल लॉन्ग टाइम तक क्यों नहीं रहता भाई, 4 महीने या 2 महीने क्यों काम करता है? क्योंकि क्या आने लगा है बेटा? मॉइस्ट। चलो आपने हाइड्रोजन गैस से तो बचा ली, लेकिन मॉइस्ट से कैसे बचाओगे? आप जब टार्च के सेल या घड़ी के सेल को तोड़ के देखना जो खराब हो गया, तो उसके अंदर बहुत मॉइस्ट निकलेगा, बहुत गीला गीला सा निकलेगा, किसके कारण है बेटा? वाटर। लेकिन आपने H2 गैस को तो कंजर्व कर लिया भाई, क्योंकि H2 गैस सेल को क्या कर सकती है बेटा? लीक, सेल के अंदर क्या बढ़ा सकता था? प्रेशर। बोले तू कंजर्व हो जा, किसके फॉर्म में हो गई वो? H2।
और यहां कार्बन का रोल देख लो, कार्बन इस पूरी रिएक्शन में कैटलिस्ट है। आ रहा है समझ में? चल ठीक है, सेकेंड ये MnO2 का एक्सेस रिएक्शन है, बड़ा सेल में होने वाली। एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, मेन सेल रिएक्शन है, ये एक्सेस रिएक्शन है सेल की लाइफ को बढ़ाने के लिए। आ रहा है समझ में? अब दूसरा बेटा, ये जो है कौन, चेडियन सीएल टू, इसका रेल किसको पकड़ेगा भाई, कौन सी गैस है सेकेंड, NaH3। तो देखिए बेटा, यहां बनेगा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बनेगा बेटा? जिसका स्टडी 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री का। ऐसे कंपाउंड आपके लाइफ में अभी तक नहीं आए, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बनेगा बेटा, जेडन NaH3 होल ट्वाइस Cl2। इसको बोलते हैं बेटा डायमीन जिंक क्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटा? डायमीन जिंक। तो देखिए बेटा, यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इस मॉलिक्यूल के रूप में, इस कंपाउंड के रूप में कौन कंजर हो गई? अमोनिया। ये सॉलिड कंपाउंड है, डायमीन जिंक क्लोराइड। क्या बेटा? डायमीन जिंक क्लोराइड, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख दीजिए या कॉम्प्लेक्स साल्ट लिख दीजिए। तो बेटा अमोनिया किस फॉर्म में कंजर हो गई बेटा? कॉम्प्लेक्स साल्ट के रूप में। किसने किया उसको? जिंक क्लोराइड ने। ट्वाइस NaH3 दे दीजिए। चलिए, आ रहा है समझ में? तो ये दो एक्सेस रिएक्शन है जो ड्राई सेल में आपको मिलेगी। आ रहा है समझ में? तो इसको लिखना जरूरी होता है। तो बेटा इसका क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन तो ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में आ चुका है कि ZnCl2 ड्राई सेल में, ZnCl2 अमोनिया के साथ कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है? कौन सा बनाता है बेटा? डायमीन जिंक क्लोराइड, डायमीन जिंक क्लोराइड। आर एस भाई, इनके नॉमनक्लेचर अलग होते हैं, किसके? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। पढ़ेंगे अब आप आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हो गया बेटा ड्राई सेल का कंप्लीट। आर एस में याद रखिए, एनोड पे होने वाला रिएक्शन और कैथोड पे होने वाला रिएक्शन।